मुख्यमंत्री गंत खाली अबुआ दिशा अबुआ रहा है पिंटू श्रीवास्तव किधर गए जी पूछिए तो राखल अपन पीए पिंटू श्रीवास्तव कोई संथाली बेटा नकल है कि पिंटू श्रीवास्तव गंगा नदी पार के हो जितना मुख्यमंत्री के पावर न हो ओकर से दो गुना पावर हो खाली नारा कहो अबुआ दिशा अबुआ राज आदि पिंटू श्रीवास्तव और सांसद राज्यसभा सांसद के ग्राम बनाए पता हो मैडम महुआ माजी झारखंड है बांग्लादेश के लगे कि झारखंड में कोई व्यस्त यदि महिला की दिए खला है तो झारखंड का है हल आदिवासी मूलवासी क्यों पूछल जाए मुख्यमंत्री से बार बार कहते हम गुरु जी का पुत्र है तो गुरु जी लाठी खाया है गुरु जी जेल गया है गुरु जी पैदल घूमा है पीरटा में टुंडी में जामदड़ा में ये महुआ माजी का बाप क्या किया है बता दीजिए पूछना होगा आदिवासी के नाम पे बोका बनने का टाइम नहीं है पूछना होगा कि महुआ माजी का बाप दादा क्या किया है हाँ गुरु जी संघर्ष किया है तुम गुरु जी का बेटा है लेकिन महुआ माजी का बाप क्या किया है सुप्रियो भट्टाचार्य सुप्रियो भट्टाचार्य वो क्या किया है धोखे में मत रहिए धोखा तो देवे कर लोग कुतुब मीनार दे लो इधर हेमंत बाबू दे लो कहाँ जी भा कहाँ जी भा हमने तो आसे आ लिए अरे स्टेडियम इतने अच्छा हो कि जहाँ चचा लोग तकन कम से कम कुतुब मीनार के हाइट को गरम कर मोले कर नंदा इतने अच्छा भाषण दे लो क्यों मैं इधर नाइन साफ़ी कर लो जदि माननीय कुतुब मीनार वाले चचा यहाँ आए ललो तुम्हें पहले मीटिंग करे इसने भाषण दिए आज यदि इतने है चीजें भाषण दे के गलो तो हमारे हिसाब से ना इंसाफी कर लो और कम से कम टावरवा से भाषण तो दिया चला कुतुब मीनार दूर के बात से टावरवा से दिया चला ये छोली को अपना बड़ी माना होगी क्योंकि पढ़ा लिखा लग लो चलिए कुतुब मीनार चचा के कहानी बताए थे और शायद 10 रुपया के कोई घूस मांगा लगा नौकरी छोड़ दे लो मास्टर की नौकरी करा लो बड़ी उम्मीद है और बोलियो दलो कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे हम हरिद्वार चले जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे बैल बकरी चराएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे और जखन बोलो कि कुतुब मीनार तामने सोचे किछु जाल दाल राख दे चाहे कि चाचा कूद सकलो ना कूद लो आओ अगर तुमने विश्वास करा 24 खातिर तो नहीं जाना हमने की करबो हमने तो भाई कोशिश कर रहा लियो तो हमने फिर अगर पहले ओकरा इतने कहिया पहले ओकरे से जुड़ी हुआ है लो हम करण है तो 24 में तखन ओकरा कहिया कि भाई चाचा इतने बताओ तो अपन पुराना वादा पूरा कर तब तो नया वादा में यकीन करबो चाचा के बोले सम्मान से बोले पढ़ा लिखा लगो अपमान नहीं करिए कि श्री श्री 108 श्री माननीय बेबूलाल मांडे जी और कुतुब मीनार वाले चाचा आप पुराना जो वादा है आपका पूरा कीजिए आपका पुराना वादा था बीजेपी में जाएंगे कुतुब मीनार से कूदेंगे अरे आप कूद तो जाइए ना नीचे हम लोग तिरपाल बिछा देंगे नहीं बोल रहे आप कुछ को हाथ तोड़ लीजिए आप कूद जाइए जब आप पुराना वादा पूरा करेंगे 2024 में आपका नया वादा हम लोग स्वीकार करेंगे बोलवा ना तो आज यह झारखंड की स्थिति यह झारखंड की परिस्थिति और यह झारखंड की नीति और यह झारखंड की नियति एकरा तो बदले हटो और सबसे पहले शासन के बदला प्रशासन बदल दो अभी यहाँ कितना तकलीफ बिहार के नजारा देखिए कभी टुंडी के तोपचाची के पीरटार के बिहार के नजारा देख लिया एगो छोटा सा 3 चक्का के टेम्पो बिहार देखे 7-8 बजे एगो 3 चक्का के टेम्पो एगो ड्राइवर और ओकर में 10-12 गो हमर भैया मौसी ककिया बजाय के धनबाद काम करे जा देखा था सही बात है सही बात कितना दर्द के विषय अरे कभी कभी तो तकलीफ उस समय भी वहां है जब ड्राइवर के सीट के बगल में हमारे मौसी के हमारे काकी को महिला के बैठाई थे आदिवासी राज्य में है उन्नति ड्राइवर के सीट के बगल में बोलिए दिखाए हमको सब तो कहने में शर्म लग रहा है ड्राइवर का सीट का बगल में मेरा माँ मौसी बैठ के धनबाद जाती है चाकरी करने के
इतना तकलीफ में राज्य हमारा, एक छोटी सी पॉलिसी बनाना है आपको, बालू का ठिका ग्रामीणों को दे देना है, जंगल पर्वत पहाड़ में जो खनिज संपदा मिलता है उसका अधिकार ग्रामीणों को देना है। आप पूंजीपति को दे रहे हैं, आप कंपनी को दे रहे हैं, आप दलालों को दे रहे हैं, जिसमें 8 को सवारी लगता है 16 को कोरा में पहुंचा के बैठ के जाता है। 4 को आगू 4 को पीछे इतने ना 16 को कोरा में बैठ के ड्यूटी करा जा रहा है। कितना तकलीफ झारखंड राज्य में, जहाँ खनिज संपदा, जहाँ कोयला के खदान, जहाँ बालू, जहाँ छड़ी, जहाँ गिटी, जहाँ गेंद, जहाँ सखुआ, जहाँ पाते हैं हमने रोजगार, जहाँ पात पाला है रोजगार, जहाँ दो रोजगार, इस राज्य में इतना तकलीफ, इतना अन्याय, बताओ ये टुंडी तो चाची पीर टाण के कहानी हो, बताओ यह दिन खाते बिरसा बाबा के साथ, यह दिन खाते सिद्धू कानू के साथ, कि हमारे भैया मुसिया देखो टेम्पो में बैठ के जीते धर्मराज, और धर्मराज जगह लागे ना वो 18 तल्ला बने, एक भी जमीन जो धर्मराज में आज बनाई ना, एक भी झारखंड के नहीं लगे, सब बाहर राज्य के, बाहर देश के, और हमारे जो यहाँ के मूल जो आज 1000 साल से यहाँ रहा है, जो यहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, आज टेम्पो में बजाय के ईटा ढोवो हो, जाए के पोछा लगवो हो, झाड़ू लगवो हो, यह तो झारखंड के कहा सही खातिर आज उबाल लिए है तो, आज खुनिया के दबुकवे है तो, आज अन्याय के प्रतिकार कर रहे तो, लेकिन ओकर से पहले मतदान करे 2024 में बदलाव करे है तो, यदि बदलाव भला तो जरूर बदलाव करते। आज हमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा में बात कर रहे हो, क्योंकि ककरो इधर सांस ना हो, न मुख्यमंत्री के सांस हो, न कुतुब मीनार वाला चचा के सांस हो, किस मुद्दा पे बात कर दो टुंडी। जब भी टुंडी के जिक्र आओ है दिमाग में तो सबसे पहले याद आओ है पहाड़, जब पहाड़ याद आओ है तो लोग के आओ नहीं तो नक्सली क्षेत्र, टुंडी तोपचाची पीटाण डुमरी यहाँ पहाड़ है, यानी यहाँ नक्सली रहता है। ये बात दिमाग में आओ है ना, झारखंड में वो समस्या है ना, तो समाधान कैसे है, समाधान होना चाहिए ना, समाधान कैसे है, समाधान ओकरे में है कि खेत खलिहान सलामत रख, नौकरी चाकरी सलामत रख, कोई नक्सली कहे बन। आज हम टुंडी के सरजमी से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ये वचन देके जाते हैं कि यदि भविष्य में हम लोग अगर कभी भी सरकार में आए तो आज जो लोग नक्सली बन के जिनके हाथों में हथियार है उनके हाथों में हल थमाने का काम करें। क्यों नक्सली बनेंगे, क्यों घर द्वार छोड़ के भटकेंगे, वो भी खेती बाड़ी करेंगे अमन चैन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जीवन यापन करेंगे, हम ऐसा माहौल बनाएंगे। और नक्सली और पुलिस का जब भी मुठभेड़ होता है, यहाँ सभी पुलिस वाले भाई भी हैं, कभी भी पता कीजिएगा, इंस्पेक्टर वाले भैया चाहे दीदी है, ये मिडिल क्लास फैमिली से, एक किसान की बेटी है, किसान का बेटा है, ये सारा सिस्टम पूंजीपतियों का है। नक्सल की घटनाएं कब होती है, ना जब बक्सर में जंगल में 2 लाख पेड़ों की कटाई हुई, वो पेड़ों की कटाई किसके लिए, आदित्य बिरला ग्रुप के लिए, वेदांता ग्रुप के लिए, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, टाटा के लिए, पूंजीपतियों के लिए होता है। तब वो क्या करती है, क्योंकि वो चंदा दिया है सदन को, टाटा चंदा दिया है, अडानी चंदा दिया है, वो बोलती है सरकार हमको 2 लाख का पेड़ों का है दरकार, तो बोला क्या करना होगा, गांव उजाड़ना होगा, आदिवासियों को उजाड़ना होगा, क्या कीजिएगा, भेजिए पुलिस सीआरपीएफ, भेजिए सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में कौन पता कीजिएगा, 100% जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था, इतनी बड़ी बात पूरे भारत में किसी का हिम्मत नहीं है सार्वजनिक मंच पे बोलेगा, ये सिस्टम अंग्रेजों का बनाया है, अंग्रेजों ने 1861 में कानून बनाया था इंडियन पुलिस एक्ट, क्या नियम था कानून का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब मजदूर को हटाया जाएगा कंपनी में, जब किसानों का जमीन लिया जाएगा, लगान लिया जाएगा, और यदि वो विरोध करेगा उसको लाठी से पिटाना है,
तो क्या करेंगे? ना सबसे पहले सरकारी पुलिस का बहाली लीजिए, इंडियन पुलिस एक्ट। और पुलिस में कौन बोले, एक भाई अगर विरोध करेगा तो एक भाई को नौकरी देंगे और उसी का लाठी से उसको पिटाएंगे। आज भी वही हो रहा, आज भी नक्सली और चारपेट के नाम पे वही होता है। किसी उद्योगपति का बेटा कहीं नहीं होता है, ना नक्सली साइड में है ना सीआरपीएफ में है। दोनों किसान का बेटा होता है, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। क्योंकि अगर वो उद्योगपति का बेटा होता ना तो आज फेंक के जिंदगी अयाशी में गुजार देता, सीआरपीएफ और पुलिस का नौकरी नहीं करता। हाँ, मेरा दोस्त लोग है सेठ परिवार से, एक ही लाइन बोलता है, हम नौकरी देते हैं, हम लोग जिंदगी भर ऐसे बैठ कर आ जाएंगे, पुलिस का नौकरी नहीं करते हैं। करेंगे भी तो कम से कम डीसी लेवल का, इस बात को जानना होगा। सब मिडिल क्लास फैमिली के बेटे होते हैं, लेकिन हमारे वोट के कारण उनकी चाहे गोली इधर लगे चाहे गोली उधर लगे, हमारा वोट कारण है। आप बोलेंगे वोट कैसे कारण है? अभी मान के चलिए गिरिडीह लोकसभा है, बगल में धनबाद लोकसभा है, दोनों एमपी से हैं, दोनों एमपी आपको पैसा देता है। पैसा वो बागर से देगा, वो चंदा लेगा। किससे लेगा? वही कंपनी से चंदा लेगा। अब कंपनी असूलेगा कैसे? कंपनी कहां से असूलेगा? एक ही वो जगह है, जल जमीन जंगल, उसके अलावा कहीं से नहीं असूलेगा। कंपनी को चंदा लेता है एमपी, तब कंपनी अपना हिसाब लेता है जीतने के बाद कि हमने आपको चंदा दिया है, आप क्या देते हैं? तो बोला क्या चाहिए मालिक, क्या चाहिए मालिक? हमको बक्सर का जो पहाड़ है उसमें सोना मिला है, पूरा पहाड़ का माइनिंग चल रहा है। हमको पारसनाथ के पहाड़ में कीमती पत्थर मिला है, पूरा पहाड़ का नियंत्रण चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है जो देश का कोई लीडर बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। हमको झुमरा में बेसिन मिला है, हमको वहां का माइनिंग करना है। इसी दम 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 सीआरपीएफ के नक्सली के लिए नहीं, वहां जमीन लिया जाएगा। जब जमीन लिया जाएगा ग्रामीण विरोध करेंगे, जब विरोध करेंगे तो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दो। यही तो फंडा है अंग्रेजों का, यही तो फंडा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, यही तो फंडा है आज की कंपनी का। अभी एमपीएल का सुने होंगे कहानी, विजय किसको नामक एक आदिवासी भाई, आज 5 दिन से उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हमारे जेपी केसर के साथी 5 दिन उसके परिवार के साथ खड़े हैं, हम लोग का जितना शक्ति है उतना उसके साथ खड़े हैं। बकायदा माननीय मंत्री आए सरकार के, लेकिन एक कंपनी के सामने नहीं हुआ। क्यों? ना कंपनी यानी अंग्रेजों से भी बुरा शासन आज भी चल रहा। इसलिए आज आपका मतदान एक दिन मुर्गा खाने के लिए नहीं है, आपका मतदान बक्सर में हिंसा नहीं होगा, पारसनाथ में हिंसा नहीं होगा, आपका मतदान बक्सर छत्तीसगढ़ जितना पहाड़ है जहां हिंसाएं होती है उस हिंसा को आपका मतदान रोकेगा। क्योंकि आप बिना चंदा का अगर वोट देंगे तो नेताजी को भी बिना चंदा का चुनाव लड़ना है। आप अगर चंदा लेके यदि आप बिक के वोट देंगे आपका नेता बिकेगा, आपका जब नेता बिकेगा वो क्या बेचेगा? पहाड़ बेचेगा, जमीन बेचेगा, जंगल बेचेगा, वही बेचा